हैं आप सब अभी हो रहे हैं पौने छः हम जा रहे हैं कौशल आज मेरी देवरानी नहीं है घर में तो उसके पशुओं को भी दूना पड़ेगा और मेरी हेल्प मेरी हेल्प मेरा साथ देंगे मेरा मेरे पति देव जी इनका इनकी मैं एक बात बताऊं आपको क्या दो किया? को मैं आज ये ये निकालेंगे दो गाय का दूध वाह 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 ये देखो अभी ना क्या किया दाल उबाल रहे हैं ना यहाँ पे तो पता है इन्होंने क्या किया इन्होंने इन इन्हों, इनसे इन्हों मैंने दा मैंने इनको बोला सुबह मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी दिन को शायद हाँ दूसरे चैनल के लिए मैंने बोला कि आप जो है सब्जी बना दो कुछ भी दाल डाल दो कुछ भी तो इन्होंने इतनी डाल दाल डाल दी कि तीन चार दिन के लिए भी आराम से चल पड़ेगी बताओ ऐसा भी करता है कोई तो मैंने मेहंदी लगाई है बालों में और ना प्लास्टिक भी लगाया है तो बहुत अच्छी लगती है अभी तो अभी हमें उनकी मिल्किंग भी करनी पड़ेगी गायों की और मुझे गाना याद आ रहा था एक मुझे किसी ने कहा था देखिए यहाँ पे ये अपनी गलती का खामियाजा भुगत है <laughs> और पता क्या बोल रहे थे कि कहते देखो इस दाल की शक्ल देखो इसमें पानी लगा दी दे ये देखो क्या बोल रहे थे भी कि अब कौन खाएगा इस दाल को मेरे कहा जिसने बनाई है वही खाएगा नहीं <laughs> हम सब खा लेंगे ऐसी बात नहीं है पर दो तीन मतलब तो हो जाते हैं दो तीन डंगना ऐसे खराब हो जाती है आजकल तो उबाल रहे हैं इसको भी फिर जाएंगे हम तो ठीक है बनाई है पता है इनको सबको जानते हैं तो अभी बज गए पौने छ और अभी हमने बहुत से काम सोचे थे ना पर अभी हो नहीं, नहीं पाए और देखो मेरे हस्बैंड पर है। ये ना समाचार सुन रहे हो सोच सुन रहे थे कि यहाँ पे खुला होगा कोई काम वगैरह खुला होगा कोई खुले काम को क्या बोलो है? एक ही डिस्ट्रिक्ट दूसरी डिस्ट्रिक्ट टैक्सी हैं और बसा नहीं बस से नहीं चली हमारे वैसे हमारा ना काफ़ी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो ग्रीन जोन में है सोल ना ऑरेंज हमारा ना ऑरेंज ऑरेंज जोन में है अभी ऑरेंज ऑरेंज क्या हो? मतलब सस्पेक्टेड मेरे को बोल रहे अभी ऐसा नहीं बोलना था पर जो चीज़ नहीं पता उसको बोलने में क्या शर्म है आप बताओ नहीं खुद को इतना मतलब पता ना हो और फिर भी सब बोलते रहे कि ना जी मेरे को तो सब कुछ पता है मुझसे ही नहीं होता सच्ची बात बताऊँ मैं चाहे फिर ऑन कैमरा है चाहे दुनिया के सामने चाहे घर में मैं ये काम नहीं कर सकती मुझे जो नहीं पता वो मैं पूछ के कर लेती हूँ अपने से छोटे से भी पूछ के कर लेती हूँ मुझे बताओ इसका अर्थ अच्छा खैर छोड़ो इनको समाचार सुन दो आप आशा कर दो अपने समाचार में मेरे को कॉपी आ जाएगा समाचार का कि अपने दर्शकों को समाचार सुना रहे हैं यहाँ बैठ यहाँ बैठे हैं अभी मैंने मेहंदी लगाई है मैं शाम को ना बाल धो दूँगी दुपट्टे में भी लगी है कपड़े भी चेंज कर दूंगी उनको फिर सूट भी काटना था मैंने पता है हाँ। तो मैं अभी ना देख रही थी ना यूट्यूब पे यूट्यूब भी देखते रहते हैं हम थोड़े बहुत किसी के थंबनेल किसी के टाइटल यार लोग मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं नहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं व्यूज के लिए पैसे के लिए वीडियो ना चलें तो मतलब कोई भी टाइटल कोई भी थंबनेल चलेगा अपने फैमिली तक हो भाई बहन सास ससुर जो भी आ गया है उनके बारे में कुछ भी बोल के भले ही वो वीडियो में अच्छा बोल रहे हैं लेकिन जो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन है ना तो जो पहले जो जिसकी नज़र पड़ेगी ये क्यों सिर्फ वीडियो के सिर्फ व्यूज़ के लिए है ना और व्यूज़ आएंगे तो पैसे आएंगे पता नहीं भाई मैं भी ऐसा ही करूँगी नहीं नहीं मुझे नहीं करना पता नहीं अभी तो बोल रही हूँ पर मुझे नहीं लगता कि ओ, मुझे नहीं लगता पता नहीं है मुझे नहीं पता लोग इतना घटिया पैसे के लिए सिर्फ थोड़े से चंद पैसों के लिए इंसान कहाँ तक गिर सकता है विश्वास <laughs> नहीं हो रहा है खैर छोड़ो हमें क्या लेना है किसे नहीं अपना रास्ता साफ रखो लेकिन थोड़ा सा लगता है ना बुरा कि जिस प्लेटफॉर्म पे हमें ना उस पर बहुत प्रकार से लोग हैं बहुत प्रकार के लोग हैं तो उंगली तो सब पे उठती है ना कि YouTube पे ऐसा होता है YouTube पे वैसा होता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है कोई कहाँ पे कुछ कर रहा है कोई कहीं पे कुछ कर रहा है कोई लड़ रहा है कोई ये कर रहा है अरे आए हैं चार पैसे कमाने अगर कमा रहे हैं अपना नाम भी बनाओ पैसे भी कमाओ पर ईमानदारी से और अपने कि तो कुछ भी चलो थोड़ा बहुत मतलब मनोरंजन वाला टाइटल तो चलता है थोड़ा बहुत जैसे तो, मतलब कुछ भी वैसे तो हम भी देते हैं टाइटल ऐसी बात नहीं है थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ता है क्लिक क्लिक पैड के लिए कि चलो ताकि मतलब लोग क्लिक करें ऐसा नहीं है वो चलता है पर यहाँ तक चलो छोड़ो हमें कले नहीं हाँ चलिए आज बहुत सा काम सोचे थे वो नहीं हुए अब घर में हाँ जी तो मैंने बाल धोए मैंने ना मेहंदी लगाई थी पता है मेरे को पता नहीं क्या आदत है पता है अब आपको कैसे पता होगा जब मैं बोलूँगी तभी पता होगा ना भुलानी पड़ेगी आदत एक दो बार मुझे टोका भी था किसी ने पता है पता है हर बार बोलते हो आप पता है पता है और अभी ना मेरे बाल गिल्ले हैं तब मैंने पीछे नहीं बांधा इनको अभी ये तो कभी बिल्कुल गिले हैं तो मैंने ना मेहंदी आगे मेरे सारे सफेद हो गए थे आगे आगे से एक दिन भी लगाई थी मैंने ना वो दूसरे तरीके से लगाई थी उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ा था पर अब जिस तरीके से मैंने अभी लगाई है ना अगर मुझे फ़र्क लगा ना फिर मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूंगी दूसरी बार कि मैंने कैसी लगाई थी बोलते हैं कि मेहंदी ना दो बार साथ साथ में मतलब एक दो दो, चार दिन के गैप में लगानी चाहिए तब वो अच्छा रिजल्ट देती है वो आशु बता रही थी और ऐसे मैंने सुना है तो मैं बताऊंगी आपको कि मैंने इसमें क्या क्या वो किया है पर जो आगे सफेद बाल थे ना अभी तो नहीं दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा सफेद स्फे, हो गए थे मेरे बाल हैं तो मैं ये करूंगी मैं आपको बताऊंगी जरूर अगली बार ना अभी मैं ऐसे वो कर रही हूँ अभी मैंने ना इनको सुखा लेना आग के पास और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है बाहर बहुत ज़्यादा बोलते हैं जिसको और मैं दिन को नहीं सोई और मेरी आँखों से आप देख सकते हैं इतना दर्द होता है ना मेरी आँखों में दिन में नहीं सो आज मुझे टाइम ही नहीं लगा आज बहुत सारे आए थे घर में ना शिमला वाले भी आए हैं परमिशन लेके आए हैं ऐसे तो नहीं आना मतलब तो ऐसे तो नहीं आ सकते और खुशी की बात है कि हिमाचल जो है हमारा ऑरेंज जोन में है मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं काफ़ी जहाँ जो बिल्कुल ही ग्रीन जोन में ये बड़ी चलो हिमाचल का हर जगह पर होना चाहिए ये मतलब ग्रीन जोन ये चला जाना चाहिए माता रानी मेहर करे माता रानी मतलब ये करे कि ये बीमारी चली जाए और हाँ आजकल जो है रमजान है और हैप्पी रमजान सभी लोगों को और बहुत सी मेरे भाई बहन हैं जो जिन्होंने ने रोजे भी रखे हुए हैं तो उन सभी को हैप्पी रमजान है इसलिए बाद में मिलती हूँ मैं तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आ, ये मैं काट रही हूँ यहाँ पे क्यारी बनाएंगे मैंने दूसरे वीडियो में बताया था ना आपको जहाँ पे हमने सेज फेंकी थी उसमें बताया था ये वहाँ पे थी ये राई ये राई है और क्या बोलते हैं उसको हाड़ो है गायों को भी देते हैं जब गायें सोने का टाइम होता है ना पशुओं को उस टाइम भी देते हैं आँख में कुछ पड़ता है उसके दाने आँख में भी डालते हैं तो ये राई और राई तो पड़ती है ना रायते के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो ये हालों में नज़दीक से दिखाऊंगी आपको सुबह सुबह वाले वीडियो में शायद मेरे पति ने जो हाथ में उठाए थे ना जो मुठियाँ वो तो ये सुबह का टाइम है फिर मैं आपसे अभी मिल रही हूँ तो एक अभी मैंने नींबू भी दिखाऊंगी आपको ऐसा नींबू है ना यहाँ पे तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था आ, सबसे पहले योगी अंजू बुलबुल सबिता दीदी मतलब मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था और उसके जो सिंगर हैं वो मोहम्मद अजीज़ हैं और दूध का कर्ज फिल्म का वो गाना है तो बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई कर दिए थे तो वही मैं क्या बोलूँ मैं अब है ना और आज मैं आपसे ना एक बात मुझे ना एक कमेंट आया था क्या नाम था उसका मेरे को नाम याद दीपू बॉक्सर हिमाचली तो पता क्या बोल रहा था कितने पागल लोग हैं हजारों व्यूज़ देते हैं बेकार की वीडियो के ऊपर भी उसके उसके नहीं आ रहे होंगे ना तो भाई उसमें मेरा क्या कसूर है दीपू भाई अगर तुम्हारे व्यूज़ नहीं आते तो मैं क्या करूं लोगों को अगर मेरी लाइ मेरा लाइफ स्टाइल पसंद है तो वो उनकी मर्जी है उनकी इच्छा है उनकी अच्छी सोच है जो भी है अब तुम्हारा कंटेंट क्या है मुझे नहीं पता पर ऐसा मत बोला करो भाई इस तरह से हम मतलब कोई ग्रो नहीं कर सकता मैंने आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है मैंने किसी के भी चैनल किसी के भी वीडियो पे जाके किसी को बैड कमेंट नहीं किया है जब मेरा चैनल भी नहीं था अब तुम्हें क्या करूँगी तो इस तरह से जालसी मत करो हेट मत करो ठीक है प्यार से रहो और एक दूसरे की हेल्प करो तो सबके व्यूज़ अच्छे आएंगे आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके व्यूज़ भी, भी अच्छे आएंगे आपका काम भी अच्छा बनेगा भग भगवान के पास हाथ जोड़ो हम आदमियों के बस में कुछ नहीं होता लोगों को पसंद आता है तो वो वही बता सकते मेरे भाई बहन कि उनको क्या क्यों पसंद आता है ठीक है तुम ऐसे मतलब फालतू बोल के मत जाया करो खैर मुझे कोई टेंशन नहीं होती आज मुझे टाइटल चाहिए था कोई ऐसा तो मैंने तुम्हारा जो टाइटल ले लिया क्योंकि तुमने मुझे कमेंट किया था ये गलत बात है दूसरे चैनल पे किया था तो इसको बोलते हैं हाड़ो ये हाड़ो की वो है पौधे छोटे छोटे पौधे ये देखिए इसके मैं दाने बताती हूँ अभी तो थोड़ी सी रह गई काटने को तो ये है हमारे यहाँ पे तो फिर उसके बीच में जो हमने मैंने काटा ना सुबह उसके बीच में ये भी था घास तो इसको भी हम जो है लेके आ गए और आज का जो क्वेश्चन है ये हम गायों को दे देंगे ये देवरानी की गायें ये मेरे पास है आज तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि बल्लभ का आविष्कार किसने किया था मुझे पता है आप सर्च करके देखते हो फिर मैं नहीं मैं नहीं पूछूंगी मुझे मैंने ना शानू से पूछा है सच्ची में मुझे भी नहीं आता था और कुछ लोगों ने ना इतना बोला कि हमें नहीं आता मुझे बहुत अच्छा लगा ईमानदारी से बोल दिया उन्होंने तो बस यही था मेरा आज का वीडियो और मैंने काफ़ी लोगों के नाम ले लिए हैं नरेंद्र भाई हिमांशु भाई अजय दिल्ली आदित्य अंजू और सुम, हाँ सुमन शर्मा हेल्थ फैमिली सुमन बहुत से लोगों ने नाम बताए बहुत से लोगों ने बताए तो जिनका नाम मैंने नहीं लिया होगा तो सॉरी क्योंकि सभी ने ही सही सही बोला था तो जो शुरू शुरू के आए थे वो मैंने पढ़ दिए तो ये फूल दिखाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं जब मैं घास को जाती हूँ ना यहाँ से तो मैं बस कम से कम दस मिनट यहाँ पे खड़ी रहती हूँ और इसको कुकड़ी बोलते हैं कुकड़ी की डाली पशुओं को होता है इसका हरा घास और तो मैंने आज का क्वेश्चन भी पूछ लिया और लाइक like करना भूल जाते हो आप लाइक like और शेयर प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे और उस दीपू ने मेरा बड़ा दिमाग ख़राब किया <laughs> पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सच्ची में और एक प्रीत गिल करके है उसका तो मैं देखूँगी तो यहाँ हम घास को जा रहे थे तो उसने प्रीत गिल ने भी कुछ अजीब सी बातें बोली है ख़ैर कोई बात नहीं तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद राम राम जय हिमाचल जय माता दी